इस अवैध निर्माण को किया और उसके मंशा साफ साफ दिखाई दे रही थी कि जो उसने लीज पर लिया है वो मदनलाल धिंगड़े का एक छोटा सा पार्ट था, उसके अंदर और निर्माण कराकर अवैध रूप से कमाई करने का एक जरिया और बनाना चाहता था। एक छोटा सा कोई घर बनाता है उसको गिराने के लिए चार चार मशीनें जैसी भी चली जाती हैं और पता भी नहीं लगता कि उसके मकान को गिरा के आ जाती है गरीब की, क्या ये निगम को पता नहीं होगा? सीधा सीधा भ्रष्टाचारी बिल्कुल मिली भगत से हुआ है। लेकिन एक मंत्री को साथ मिलाकर 10 लाख रुपए लगभग हर महीने के उसको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। और ये जो अवैध कार्य आपने देखा है, कल ठेकेदार ने स्वयं हटाया है, लेकिन अभी भी ये सारा कार्य रुका हुआ है। और मुझे जो अनुमान है और समाज को जो अनुमान है, ये कार्य पुनः शुरू होगा और ये अवैध निर्माण बनकर रहेगा। इसके अंदर कई नेताओं का अपना हाथ है, निजी तौर पे वो रुचि ले रहे हैं। जिस ठेकेदार ने काम लिया है उसको जो परमिशन दी गई थी उस परमिशन से एक्स्ट्रा काम जो किया वो सारा हटाया जाएगा। रोहतक में भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं पार, नगर निगम की नाक के नीचे। नगर निगम के ही कम्युनिटी सेंटर में बन रहा था अवैध निर्माण। जी हाँ, आपको बता दें, रोहतक की ओल्ड आईटी स्थित मदन लाल ढींगरा कम्युनिटी सेंटर में ठेकेदार पक्के अवैध स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा था और यह काम चुपचाप नगर निगम की नाक के नीचे हो रहा था और निगम को इसकी भनक तक नहीं लगी। तो वहीं समाज सेवी संजय खुराना की माने तो उन्होंने बताया कि इस बारे में कई दफा नगर निगम अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। जिसके बाद नगर निगम एक्शन में आया और ठेकेदार को नोटिस इशू करते हुए अवैध निर्माण को गिराने की कही गई। जिसके बाद ठेकेदार ने रातों रात निर्माण तो गिराया लेकिन पूरी तरह नहीं, बल्कि एक फुट की दीवार गिराई। हालांकि नगर निगम में भ्रष्टाचार के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन अब तो हद ही हो गई कि जब सरकारी जमीन पर ठेकेदार बिना किसी परमिशन के गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए पक्का निर्माण कार्य करता है और नगर निगम को पता भी नहीं लगता। तो वहीं जब हमने इस मामले में रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल से बात की तो उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण कार्य को रुकवाकर उचित कार्रवाई अमल में लाई गई है, साथ ही आगे ऐसी कोई हरकत ना हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि ठेकेदार को केवल कच्चा निर्माण यानी शेड वगैरह लगाने की अनुमति थी, न कि पक्के निर्माण करने की। तो आइए अब आपको सुनाते हैं इस बारे में स्थानीय लोगों व मेयर मनमोहन गोयल का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय खुराना है, समाज सेवा कार्य है और पूरा रोहतक क्षेत्र अपने पास आता है। और आज जो इस विषय पर मैं बताने जा रहा था कि ये मदन लाल धिंगड़ा कम्युनिटी सेंटर जो कि HSVP के अंदर अंतर्गत आता है और निगम ने एक भामरी नाम के व्यक्ति को इसको लीज पर दे रखा था और उस भामरी नाम के व्यक्ति ने आगे पर्दे लगाकर पीछे अवैध निर्माण कार्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर इस अवैध निर्माण को किया और उसके मंशा साफ साफ दिखाई दे रही थी कि जो उसने लीज पर लिया है वो मदन लाल धिंगड़े का एक छोटा सा पार्ट था, उसके अंदर और निर्माण कराकर अवैध रूप से कमाई करने का एक जरिया और बनाना चाहता था, जो कि जनता के साथ सरासर धोखा है। पहले भी इस सरकार ने धोखा दिया है कि किराया वगैरह पर इन्होंने कहा था दाम कम से कम रखेंगे, लेकिन पूरे मनमर्जी से ये ठेकेदार अपने वो ले रहा है पैसे और जनता की गाड़ी कमाई को इस तरह से व्यर्थ किया जा रहा है। और ये जो अवैध कार्य आपने देखा है, कल ठेकेदार ने स्वयं हटाया है, लेकिन अभी भी ये सारा कार्य रुका हुआ है। और मुझे जो अनुमान है और समाज को जो अनुमान है, ये कार्य पुनः शुरू होगा और ये अवैध निर्माण बनकर रहेगा। इसके अंदर कई नेताओं का अपना हाथ है, निजी तौर पे वो रुचि ले रहे हैं कि अगर ये हमारे पास रहता है तो हमारा एक कमाई का मोटा जरिया बना रहेगा। 8.5 या 10 लाख सुनने में आया है कि महीने किराए पे लिया गया है, लेकिन एक मंत्री को साथ मिलाकर 10 लाख रुपए लगभग हर महीने के उसको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। साथ ही आपको अंदाजा हो कि क्या बनाया जा रहा था यहाँ पे? यहाँ कम्युनिटी सेंटर एक और बनाया जा रहा था। अच्छा। कि यदि शादियाँ होती हैं तो दो दो तीन तीन चार चार शादियाँ हम यहाँ पे कर सकें और उससे अवैध रूप से बिना नगर निगम की परमिशन किया जा रहा था। ऐसा कभी हो सकता है कि नगर निगम को पता ना हो? एक छोटा सा कोई घर बनाता है उसको गिराने के लिए चार चार मशीनें जैसी भी चली जाती हैं और पता भी नहीं लगता कि उसके मकान को गिरा के आ जाती है गरीब की, जिसको अपनी जमा पूंजी के माध्यम से अपनी एक छोटा सा कमरा भी बनाता है थोड़ा सा आगे 4 फुट 2-3 फुट आगे बढ़कर, क्या ये निगम को पता नहीं होगा? सीधा सीधा आरोप भ्रष्टाचारी बिल्कुल मिली भगत से हुआ है। जो खटखड़ा अपने आप को ईमानदार ऑफिसर के एक थप्पा लगाए बैठा है, ये सरासर झूठ है। अभी इनका एक क्या बोलते हैं और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार भी हुआ है रोहतक से। तो इसीलिए ये अवैध निर्माण नगर निगम के अध्यक्ष जो भी हैं
उनके माध्यम से ही हो रहा था, उनकी देख रेख में हो रहा था कि शायद उसके अवैध कमाई के अंदर वो भी अपना हिस्सा लेता। अच्छा, इस बारे में आपने कभी नगर निगम को पहले अवगत कराया? बहुत बार अवगत कराया जनता ने, उसी का परिणाम है जब बार बार आवाज उठाई गई मेयर ने, अपने राजकमल सहगल ने, कोई ना कहीं कि भाई ये कैसे हो रहा है। अब हिस्सेदार ज्यादा हो जाते हैं तो गिराना भी पड़ता है भाई, सबको पता लगने लग गया तो सब मांगने लग गए अपना अपना हिस्सा, तो इसको गिराना पड़ गया ठेकेदार को मजबूरी में। और अभी ये बंद नहीं हुआ, ये दोबारा से बढ़ाएंगे और शायद अब पास भी करवा ले सरकार से। लेकिन पर्यावरण की दृष्टि के हिसाब से या जो पेड़ों को नष्ट करके इसने ये बनाया है, मनोरंजन का एक साधन था, खुला वातावरण था, लोग इंजॉय कर लेते थे, इधर उधर बैठ जाते थे, वो इन्होंने खराब कर दिया है। इसको अब पुनः उसी निर्माण के अंदर लाने में कितना समय लगेगा ये नहीं बता सकते। तो अब क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ प्रशासन को कि आपकी नाक के नीचे ये जो अवैध कार्य हो रहे हैं, भगवान से डरकर इसे बंद करवाएं और वापस पुनः जो जो पेड़ उखाड़े गए हैं, जैसे घास उखाड़ी गई है, इसे पुनः निर्माण के अंदर सहयोग दें। धन्यवाद। जिनकी तरफ से बनाया गया उनका क्या नाम है? ये एक भामरी जी हैं जिनको ये पूरा लीज पर दिया गया है, और सुनने में आया है कि उनके भी आगे दो तीन पार्टनर हैं जिसमें हमारे मंत्री जी के भी सुनने में आया हिस्सा है। तो ये सारा एक ही व्यक्ति के नाम से चार पांच पार्टनर मिलकर ये अवैध निर्माण करवा रहे थे। कहाँ से हैं वो सभी? सभी रोहतक से ही हैं। ओल्ड आईटी कम्युनिटी सेंटर में एक अवैध निर्माण किया जा रहा था, क्या मामला है ये? हमने टेंडर निकाला था और टेंडर में जिस आदमी ने टेंडर दिया था उसके साथ कंडीशनें थी, तो उस कंडीशनों से जिस आदमी ने वायलेशन किया है, जिस जो ठेकेदार ने लिया था उसके हिसाब से उसको वायलेशन को ख़त्म करने के लिए ही उस पर कार्रवाई की गई है। और वायलेशन जो है शर्तों के मुताबिक ही जो रहेगा वो है, उसके अलावा वायलेशन नहीं करने दिया जाएगा। तो मेरे साहब वही लोगों का आरोप है कि लगभग डेढ़ दो महीने से कंस्ट्रक्शन चल रही थी, नगर निगम को अभी पता लगा, ऐसे कैसे? नहीं, ये ऑफिसर्स का काम है, जो उनका कंडीशन है उसको चेक करते रहना, और चेक करने के बाद जो भी वायलेशन होता है उसको हटाना। जहाँ भी एनक्रोचमेंट है जैसे शहर में, वो पूरे शहर में हो रही है, लेकिन हटाने के लिए कार्रवाई जो है वो समय समय पर होती रहती है, और इस पर भी कार्रवाई की जा रही है और कंडीशन के मुताबिक ही इसको बनाने की इजाज़त दी जाएगी। तो साथ ही जो ठेकेदार है उसके खिलाफ क्या उसका टेंडर कैंसिल किया जाएगा, क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, टेंडर कैंसिल करने की तो अभी कोई ऐसी बात नहीं है, उसकी तो यही बात है कि भाई जो वायलेशन किया है वो वायलेशन नहीं होने दिया जाएगा। तो साथ ही आप बताएं कि मतलब इसका अभी कोई टेंडर निकाला जाएगा बनाने का, है इसको वापस जैसे पहले था प्लेन वैसा कर देता है? ये जो है कॉर्पोरेशन नहीं बना रही थी जी, जिस ठेकेदार ने काम लिया है उसको जो परमिशन दी गई थी उस परमिशन से एक्स्ट्रा काम जो किया है वो सारा हटाया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो अवैध खड़ा करे थे खंभे वगैरह वो सारा अवैध था? हाँ, उसमें उसके हिसाब से टेम्परेरी की कुछ स्ट्रक्चर की उसको इजाज़त दी थी, जैसे शेड टेम्परेरी की जी, टेम्परेरी की जगह उसने जो पक्का कर लिया वो सब हटाया जाएगा। अच्छा, तो उन्हें पक्के की नहीं कच्चे की इजाज़त थी? कच्चे की तो होती है शादियों में जी जी जी, शादियों में टेंट लगाने की तो इजाज़त होती है जी जी, तो शादियों के हिसाब से है क्योंकि यहाँ पर शादियाँ और क्रिया के कार्यक्रम और फंक्शन जो होते हैं उनके हिसाब के लिए ये जगह है, उसी में इस्तेमाल की जाएगी।